लो माँ ये कुछ पैसे हैं, रखो इमरजेंसी के लिए काम आएंगे। पापा आप मम्मा को सैलरी क्यों नहीं देते? तुम्हें सैलरी के बारे में किसने बताया? अरे जरूर इसकी माँ ने सिखा कर भेजा होगा इसे। कटाक्षी अब तुम्हें घर का काम करने के लिए सैलरी चाहिए होगी। मैंने ऐसा नहीं बोला। देखा कितनी भोली बनती है ये, बेटी के कंधे पे बंदूक रख कर चलाना तो इससे सीखे कोई। माँ जी आप कैसी बात कर रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अगर तुमने नहीं बोला तो ये बात इसके दिमाग में आई कैसे? नहीं नहीं पापा, मुझे तो स्कूल में टीचर ने बताया था कि जो भी लोग काम करते हैं उन्हें सैलरी मिलती है, तो मम्मा भी तो बहुत काम करती है ना, उन्हें आप सैलरी क्यों नहीं देते? अरे बेटा मम्मा घर का काम करती है और मैं ऑफिस जाकर काम करता हूँ, सुबह जाता हूँ और शाम को आता हूँ ना, और मम्मा तो घर का काम करती है, घर का काम करने के लिए बताओ किस बात की सैलरी? मम्मा भी तो बहुत सारा काम करती है ना, पूरा घर संभालना, मुझे स्कूल के लिए रेडी करना, आपका टिफिन बनाना, दादी का ख्याल रखना, दादी के कपड़े धोना, ये भी तो एक काम ही हुआ ना। बेटा मम्मा के काम में और मेरे काम में जमीन आसमान का अंतर है, मम्मा घर संभालती है और मैं घर चलाता हूँ। तुम्हें पता है मैं ऑफिस जाता हूँ और पैसे कमाता हूँ, तभी महीने में मुझे सैलरी मिलती है, तभी तो घर का सामान और तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे और राशन आ पाता है। आप भी तो ऑफिस तभी जा पाते हो ना जब मम्मा आपका सारा सामान रेडी करके रखती है। अरे पर तेरी माँ को सैलरी की क्या जरूरत है जब तेरे पापा सारा सामान घर पे ला कर देते हैं? तो पापा तो आपको भी दवाइयाँ ला कर देते हैं, फिर भी आपको जेब खर्च देते हैं। अरे सोफिया बेटा मैं दादी को इसलिए पैसे देकर जाता हूँ, कभी भीड़ भगत में उनको इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो। आप मुझे और दादी को दोनों को पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन मम्मा को क्यों नहीं देते? मम्मा को भी तो पैसे की जरूरत होती होगी ना, मम्मा को भी तो कुछ खरीदने का मन करता होगा ना। अरे अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो पति से मांगने में क्या बुराई है, क्या शर्म है? दादी जी मम्मा हर छोटी बात के लिए पापा से पैसे थोड़ी ना मांगेंगी। ये माँ बेटी ना मेरी समझ से तो परे है, तू ही समझा इसे। माँ शायद सोफिया सही कह रही है, अरे वो भी तो पूरा दिन घर पर रहती है और उसे भी पैसों की जरूरत पड़ती होगी, और अगर सपोज करो आप घर पर ना हुए और इसको भीड़ भगत में पैसों की जरूरत पड़गी, कोई इमरजेंसी आ पड़ी, सोफिया को कुछ हो गया, पैसों की जरूरत पड़ी, तो ये किससे मांगेगी? और इस पागल ने भी मुझे कभी नहीं बोला, अगर तुम मुझे एक छोटा हिंट भी दे देते ना तो मैं आगे से उस चीज का ध्यान रखता, लेकिन ठीक है अब से मैं तुम्हें हमेशा जेब खर्ची के लिए पैसे देकर जाऊंगा। अब वो तुम पर डिपेंड करता है, तुम उन पैसों को सेव करते हो या कहीं खर्च कर देते हो। इसे पैसे देगा ना तो बिगड़ जाएगी। अरे माँ कैसी बात कर रहे हो आप, वो छोटी बच्ची है क्या जो बिगड़ जाएगी? अरे वो पूरे घर को संभालती है, सबको संभालती है, तो पैसों को भी तो संभाल सकती है ना। मम्मी जी मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि ये कहाँ पैसे खर्च करते हैं और कैसे करते हैं, लेकिन अगर ये दो पैसे मेरे हाथ में देंगे तो भगवान ना करे कभी इनके पास अगर पैसे नहीं हुए तो वो दो पैसे इन्हीं के तो काम आएंगे ना। साक्षी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और आई एम रियली सॉरी, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि तुम भी घर पर रहते हो, तुम्हें भी कभी इमरजेंसी में कभी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, अब तुम भी हर चीज के लिए मुझसे तो पैसे नहीं मांगोगी, ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अरे मेरी माँ प्लीज। माँ एक औरत ही घर को घर बनाती है, वो ये हम सब के लिए कितना कुछ करती है, लेकिन हमने कभी इसके काम को अप्रिशिएट नहीं किया। थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से आज मेरी आँख खुली। और सताक्षी हाँ ये रखो कुछ पैसे।